मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ ने गरीब जनजाति की बहनों का हक छीना है। साथ ही विपक्ष पर वार करते हुए शिवराज ने कहा, मोदी को चिट्ठी लिखने की वजह भ्रष्टाचार मत करो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मैं एक सवाल बार बार कमलनाथ से पूछ रहा हूँ, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जब तक वो जवाब नहीं देंगे मैं सवाल पूछता रहूंगा। मैंने मुख्यमंत्री रहते 2017 में अत्यंत पिछड़ी जनजाति की बहनों के लिए 1,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना के तहत दी थी। कमलनाथ ने उनके सरकार आते ही ये योजना बंद कर दी। मैं पूछता हूँ, आपने उन गरीब बहनों से पैसे क्यों छीन लिए? आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ ने वचन पत्र में वादा किया था कि गंभीर रूप से बीमार महिलाएं जो काम करने की क्षमता खो चुकी हैं, उनका जीवन भर भरण पोषण के लिए योजना बनाएंगे। कौन सी योजना कमलनाथ ने बनाई? जो योजना बनाई थी वो भी छीन ली और झूठा वादा करके उस समय वोट ले लिए। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए 2017 में अत्यंत पिछड़ी जनजाति की बहनें, उनके 1,000 रुपया जो हमने मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना के देना प्रारंभ किए थे, सरकार में आते ही वो 1,000 रुपया महीना जो मैं देता था कमलनाथ जी, आपने उन गरीब बहनों से क्यों छीन लिए? मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश के सरकार के साथ समाज के कई भाई बहन भी निरंतर सकारात्मक प्रदेश बनाने के काम में जुटे हुए हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के दो जल योद्धाओं अनीता चौधरी और गंगा राजपूत को जल संरक्षण में विशिष्ट योगदान के लिए स्वच्छ स्वजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुरहानपुर के खिड़की गांव के स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा हर घर में नल से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना की है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बुरहानपुर में नारी शक्ति का प्रयास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के दो जल योद्धाओं अनिता चौधरी जी और गंगा राजपूत जी और सरपंच नीतू परिहार जी को जल संरक्षण में विशिष्ट योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं। स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के खिड़की गांव के स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा हर घर में नल से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार और सोच जनता के कल्याण के लिए होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब जो खा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मोदी सरकार की सोच है कि कोई कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, यदि वो गड़बड़ कर सकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो नेता प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, वो पत्र ना लिखकर इसकी वजह भ्रष्टाचार ना करें तो कार्रवाई नहीं होगी। अगर करोगे तो यह देश की जनता भी मानती है। गड़बड़ करने वाले किसी भी दल के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका विचार, उनका सोच, उनका चिंतन, उनके काम केवल देश और देश की जनता के कल्याण के लिए होते हैं। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो खा रहे थे भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब पहले आंखों की शर्म होती थी, तो नेता कोई अपराध कर दे तो कार्रवाई नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई भी हो अगर गड़बड़ करेगा तो कितना बड़ा भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।